मधुवापुर बास्की पथ बिहारी गांव के मुहाने पर कटहल गाछी डीपीएस स्कूल के पास तालाब के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतिका की पहचान बिहारी गांव वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद हारून दर्जी के 65 वर्षीय पत्नी रुखसाना के रूप में हुई है। बताते चली कि एक बाइक पर दो महिला व एक युवक मधुवापुर से बिहारी घाट की तरफ जा रहे थे। बाइक फिसलने के कारण सब गिर गए। इसी दौरान मधुवापुर की ओर से जा रहे ट्रक के चपेट में महिला आ गई। इलाज के लिए दरभंगा ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। दोनों पक्ष में आपसी सहमति से मामला का निपटारा कर दिया गया। मधुपुर थाना पुलिस ने रविवार की शाम संध्या गश्ती के दौरान स्थानीय पेठियागाछी बाजार से 33 बोतल विदेशी शराब लदी एक बाइक जब्त किया। साथ ही बाइक सवार धंधेबाज को गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान सीतामढ़ी जिला के सुरसंड थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी सीता सरंदास के रूप में हुई है। मधुपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि प्रशिक्षु दरोगा निशु कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान मधुपुर पेठियागाछी बाजार में नेपाल से तेज रफ्तार से बाइक को रोक कर तलाशी ली। बाइक जांच के दौरान तेल टंकी में छुपा कर रखा 34 बोतल नेपाली विदेशी शराब बरामद किया। साथ ही धंधेबाज को गिरफ्तार भी कर लिए। शराब लदी बाइक जब्त कर गिरफ्तार धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उधर सहरघाट थाना पुलिस ने शनिवार की शाम संध्या गश्ती के दौरान भैरवगाछी गांव में छापेमारी कर बाथरूम में छुपा कर रखा 240 बोतल देसी शराब बरामद किया। साथ ही गृह स्वामी पलट महतो को गिरफ्तार भी किया। इस मामले में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम पटना कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भौगाछी निवासी पलट महतो के घर में बाथरूम में भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखा गया है। सूचना को संज्ञान में लेते हुए प्रशिक्षु दरोगा नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने भौगाछी गांव निवासी पलट महतो के घर पहुंचकर तलाशी लिया। इस दौरान बाथरूम के नीचे चैम्बर से दो प्लास्टिक की बोरी में 240 बोतल देसी शराब बरामद किए। साथ ही गृह स्वामी पलट महतो को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि शराब मामले में फरार चल रहे हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव निवासी रविंद्र महतो को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब मामले में गिरफ्तार दो धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। मनरेगा मजदूर को 200 दिन मिले रोजगार सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मधुवापुर प्रखंड के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व अंचल सचिव अशिश्वर पासवान कर रहे थे। आंदोलनकारी की प्रमुख मांग में मनरेगा योजना के तहत प्रवासी मजदूर का जॉब कार्ड बना देने, जॉब कार्ड धारियों को 200 दिन रोजगार की गारंटी, नए आवेदन के आधार का जॉब कार्ड बनाने, जॉब कार्ड धारियों को रोजगार नहीं मिलने पर 200 दिन का भत्ता उसके खाते में भेजने एवं अंचल कार्यालय के माध्यम से भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने एवं वर्षों से सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने एवं नलजल योजना में किए गए लूट खसोट की जाँच करने शामिल है। सैकड़ों की संख्या में अपने हाथ में आवेदन का झंडा लिए प्रवासी मजदूर ने पार्टी के बैनर तले जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंच गए। पार्टी राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा कहा कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूर काम की तलाश में अभी तक भटक रहे हैं। आर्थिक तंगी से उन्हें गुजारा करने पर विवश होना पड़ रहा है। एक ओर जहां सरकार 200 दिन रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूर यत्र तत्र भटक रहे हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कामगार मजदूरों को 200 दिन रोजगार मुहैया कराने को लेकर मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भूमिहीन को 5 डेसिमल भूमि देना सुनिश्चित किए जाने को लेकर 5 सूत्री मांग बीडीओ राजेश कुमार को सौंपा गया। मौके पर अशिश्वर पासवान, प्रेम कुमार झा, अनिल कुमार सिंह, गणेश यादव, बेचन राम, बिप्ति देवी, राम पंचू पासवान, पलटू सदाय, गुड्डू मंडल, सुनीता देवी, मीरा देवी सहित सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर शामिल थे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।